من المحسنين والله يحب المحسنين. معزز سامعین حضرات، अल्लाह नेकी करने वालियां नाल मुहब्बत करता है, नेकी करने वालियां नाल प्यार करता है, मुकसिदीन दा अजर जाया नहीं करता और उन्होंने पसंद करता है। मेरे भाई इज्जत माफ चौधरी शफकत गुजर साहेब, चौधरी खालिद गुजर साहेब, चौधरी आसफ रामे साहब, चौधरी अबरार डोगर साहब, मेरे भाई प्रोफेसर शाहद महमूद साहब, प्रोफेसर हाफिज निशान अशरफ रहमानी साहब, मौलाना अब्दुल्ला खानपुरी साहब, कारी अब्दुशकूर साजिद साहब, लामा मोहम्मद अकरम रब्बानी साहब, चौधरी उस्मान मान साहेब और दीगर मजाबात से दोस्त मेरे भाई मौलाना अहमद साहब पैंट चक से तशरीफ लाए, राना शहजाद साहब, मौलाना अब्दुल मनान काशिफ अजीजी साहब, मैं बड़े उलमाए कराम देख रहे हैं, अपने बहुत ही प्यारे दोस्त मोहतरम जनाब इज्जत माब मौलाना इनामुल हक फरूकी साहब की दावत पे मुझे कहते थे लाजमी पहुँचे, मस्जिद का इफ्तिताह है, संगे बुनियाद है। मैंने चूँकि जनाजा पढ़ना है, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त कारी यूसुफ, आप जानते हैं हड़प्पा में बड़ी जानी पहचानी शख्सियत है, यूसुफ फरूकी साहब उनके वालिद साहब अल्लाह के पास जा चुके हैं, अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए। मरकज इब्राहिम जिस बुजुर्ग के नाम पे रखा है वो बुजुर्ग अल्लाह के पास जा चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि जिस दिन उनके बेटों ने ये नीयत की थी ना, मौलवी साहब को अभी बताया भी नहीं था कि असा अपने बाप के नाम से है मस्जिद बनानी, उस दिन तो लैके अज तक सवाब अल्लाह उन्हों की कब्र च भेज रहा है। असी कब्र के मामलात नहीं जान सकते, ये तो कयामत को नबेड़े होने, उधर पता लगेगा कि नेकी की नीयत की अल्लाह कबूल फरमा लेता है। मेरे भाई प्रोफेसर जिशान अशरफ रहमानी साहब जो हैं वो इस मरकज को इंशाल्लाह अपनी जिंदगी में इंशाल्लाह बढ़ता फलता फूलता देखेंगे और टाउन के मालिक देखेंगे। ये हैदर गार्डन में नाम भी बहुत प्यारा है, हैदर करार शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हो, कितनी दुनिया को जहां कहेंगे कि वह हैदर ने नारा लगाया था तो खैबर का किला फतह हुआ, तो यह हैदर गार्डन तो नाम ही बहुत प्यारा इन्होंने रखा है। और मैं दुआ करना है, इन्हें चार दीवारी भी बड़ी खूबसूरत की है, मैं देख रहे हैं अल्लाह पाक इस हैदर गार्डन नू पौद्या नाल भी सजाए ते घरां नाल भी सजाए ते नमाजिया नाल भी सजाए, कार होवे जिस घर च अल्लाह का जिक्र होवे। बेटा बैठते जाए आप इधर बैठ, कार होवे जिहड़ा अल्लाह का जिक्र होवे, जिहदे च वो कार कब्रस्तान है जिहदे च ना सुनता पढ़िया जांदियां ना नफल पढ़े जांदे ना कुरान पढ़िया जांदा है ना हदीस पढ़ी जांदी है ना अल्लाह का जिक्र किया, वो कार कब्रस्तान है। और मैं गल वेले दी करना हुंना है, सोसाइटियां अज जिंदियां दे कब्रस्तान बन चुके हैं, महल्या च रही दस एक दूजे की खबर होंगी सी, सज्जे नूं खब्बे की खबर होंगी सी, खब्बे नूं सज्जे की खबर होंगी सी, मगर सोसाइटियां च मैं देखिया कि नाल दे घर किसी नूं खबर नहीं होंगी कि इधर कौन रह रहा है। भई आप जिंदों का कब्रस्तान बनाना चाहते हैं, मैं सोसाइटी वालों से अपील करता हूँ जहाँ जहाँ सोसाइटियों में मकान बनाए आपको दाएँ की भी खबर होनी चाहिए, बाएँ की भी खबर होनी चाहिए, सज्जे भी खबर होवे, खब्बे भी खबर होवे, एक दूजे नाल मेल मिलाप होवे, जिवें महल्लियां च एक दूजे के दुख सुख च शरीक हुंदे जे कलोनियां सोसाइटियां च भी एक दूजे के दुख सुख च शरीक होया करो।
मैं देखिया जिन्या सोसाइटियां च मैं जाना अगले दिन मैं शेख उपर एक बहुत बड़ी शाफे आर्चिड एक टाउन उन्होंने काटी तो वो भी मेरा खिताब सी। मैं उत्थे भी सारे टाउनों वाले भी यही पैगाम दिता है और तुसा बाप दे कोल भी अज मैं इस हैदर गार्डन च आया। मैं इंशाल्लाह जितनी बातें करनी है ऐ प्रॉपर्टी डीलर दे रिलेटेड करनी है टाउन मालकां दे रिलेटेड करनियां ने। मेरी आदत होंदी मैं जिस शोबे च जावां ना मैं उन्हां दी तरबीयत करना सलाह करना है। उन्हां नूं मक्खन मुखन नहीं लांदा कि तुसीं बड़े उच्चे ते जंती हुण सिद्धे जन्नत दे टिकट मिलदे पैणे। मैं उन्हां दे कोल बह के जिहड़े उन्हां मेहमान सद्दे हुंदे ने टाउन वाले डीलर प्रॉपर्टी डीलर उन्हां लोगां दी सलाह करना और मैं सलूट करना है कैदर गार्डन दे ओनरां नूं कि उन्होंने इस मौके पर अल्लाह रसूल के मेहमान बुलाए ने। तुसी जिन्हें बैठे हो तुसी किसे आम इंसान के मेहमान नहीं, तुसी रसूले खुदा के मेहमान बैठे जी। इस टाइम तुसी अल्लाह के मेहमान बैठे और टाउन वाले कितने खुशकिस्मत ने कि अजे इत्थे मकान नहीं बनिया तो अल्लाह का जिक्र शुरू होया तो सारा राह भरिया पिया है उहदा जिक्र उहदी शान है। और इन्हों मैं कहांगा अपनी टाउन च ना दूजिया टाउना नालों अलग काम करना जे आ सजावटी पौधे लाने की बजाय कोई अनार लाया जे कोई अमरूद लाया जे जिथे ना जी पौधे नूं फल लगेगा कोई आता जाता खा लवेगा। शेर शाह सूरी ने जेडे दरख्त लवाए सी ना जनाब आ जिहड़ा जी टी रोड कढ़िया सारा उहदा ही सदका जा रही है। शेर शाह सूरी बादशाह ने फल वाले पौधे लवाए सी कि आउंदे जांदे कोई छावें भी बहू ते भुख लगी हुई परदेसी फल भी खा लेगा। अही हुण टौना जे पौधे इंज दे लाउने आ जिहनूं मालिक कट्टण दे भी पैसे लैंदा है उहदी सजावट बना के ते उहदे ते पैसे लगदे रहिंदे। फुल फुलदार भी लाओ ते फलदार भी लाओ फुल्लां नाल तुहानूं खुशबू आएगी ते फल ना तुहाडा पेट भरेगा। ते जिहो जी हुकूमत है ना हुण आप ही पौधे लाउणे पैणे ने मुल लै के खाया नहीं जाणा। हुण जिन्नी का महंगाई हुंदी पई है बंदे बड़े कंजूस हो गए ने अनार सुन के ना भी 600 रुपये किलो 700 800 रुपये रेट पुछ के अगे तुर पैंदे। ए जो सस्ता होगा उदो खावांगे तो उन्हां चिर नूं भावें इजराइल आ जाए मर जाए। जिहड़ी शह दिल करे खा लिया कर उसे वेले लै के ना वेख्या करे महंगी है कि सस्ती है। जान नालों वध कोई शह नहीं। अज मैं वेख्या अक्सर लोग चीज महंगी वेख के अगे तुर पणगे तो फिर कहेंगे चलो कोई नहीं दसा कु दिन सस्ती हो जानी है फिर खावे तो उन्हें चिकन भावे हस्पताल पहुंचा हो तो डॉक्टर अगला भी बंद कर दे। आज कितने बंदे हाथ खड़े करके वादा कर दे दिल में जड़ी शह लगे उत्थे खा लैनी है खलो के ना बीवी नूं पुछना ना बच्चिया नूं पुछना। तो जे पैसे थोड़े वध होण ते एक छापर घर भी लै जाओ कम सीधा है। पहले आप उत्थे खा लिया करो। मैं तुहानूं एक होर मसला दसना है ਇਹ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਟਾਊਨ 'ਚ। ਇਹ ਟਾਊਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਦਕਾ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਬਣਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਬ ਕਮਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਕਾਨ ਪਲਾਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਟ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੇਕੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਕੱਠਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਮੌਲਵੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ 10,000 ਹੁੰਦੀ 15,000 ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 35,000 ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ 'ਤੇ ਉੱਚੀ ਦੁਆ ਮੰਗਾਇਆ ਕਰੋ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਾਰੇ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਨੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਵਾਮ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦੇਗੀ ਫਿਰ ਆਮੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਨਮਾਜ਼ 'ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਧੇਗੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹਜੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣੀ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਫਰਮਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਆਮੀਨ ਕਹੋ।
अर्ज करना चाह रहा मैं टाउन की कामयाबी का पहला तरीका अपने चन्ना दसांगा ताड़ा टाउन नंबर किवें हो सकता है जे तुसी मिट्टी पाओ तो प्लाट वेख सकते ने अजे मिट्टी पाओ पौधे नहीं लगे तो प्लाट वेख सकते ने किवें सही बुखारी च लिखा मुसलमान भाईओ इमाम अंबिया का कलमा पढ़ने वालो मेरे मदनी करीम आका का कलमा पढ़ने वालो अजीजा ने मन मेरे रब्बे करीम ने फरमाया वतो हाथ चरे वाले वलैल दियां ज़ुल्फां वाले मांजा दे काजल वाले आलम शाह दे सीने वाले सिराजे मुनि दे चरे वाले बदरे मुनि दे मकाम वाले हामिद दे पुनर वाले ताहा दी शान वाले मुजम्मल दी कमनी वाले मुदस्सर दी जादौर के सुन वाले हमारा मैता इधरा मैता वला किन अल्लाह करमा दे देने पाक वाले हमायन दे पुन हवा दिया पाक बुलिया वाले कद नरा तकल्लु पाव जे का किस्सा मां दे चरे वाले यासीन वल कुरान अल हकीम दे ताज वाले ए कमनी वाले सोने महबूब।